गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जनपदों के जनप्रतिनिधियों, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ प्रबंधन के संबंध में किया संवाद स्थापित। कहा, बाढ़ राहत सामग्री वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तटबंधों की जाए लगातार मॉनिटरिंग। एडीजी जोन दावा शेरपा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोन कार्यालय पर किया ध्वजारोहण, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की दिलाई शपथ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फहराया तिरंगा, दिलाई कर्तव्य और निष्ठा की शपथ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवजन पांडियन ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लड़नी है दूसरी लड़ाई। तीन मूल मंत्र के साथ पाई जा सकती है कोविड-19 से आजादी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक अमित अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण, देश के महान अमर सपूतों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर किया ध्वजारोहण, लोगों को दिलाया कर्तव्य और निष्ठा की शपथ। कहा, कोरोना काल में जब मिलेगी मास्क से मुक्ति, तभी मिलेगी सच्ची आजादी, अब आत्मनिर्भर बनेगा देश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट काम के लिए चुने गए 49 पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित, दी शुभकामनाएं की उज्जवल भविष्य की कामना। गोरखपुर में शनिवार को 253 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या हुई 5,199। अब तक 84 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 2,465 हुए एक्टिव कोरोना मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा गांव के सामने देर रात हुई दो बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, स्थानीय लोगों ने निजी गाड़ी से घायल को पहुँचाया अस्पताल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति भारत अभियान का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, नशे की लत में जिंदगी बर्बाद कर रहे लोगों की जाएगी काउंसलिंग, जनपद को कराया जाएगा नशा मुक्त। डीजी जेल द्वारा मिले सम्मान को डीएम ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को प्रशस्ति पत्र और मेडल लगाकर किया सम्मानित। कहा, उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है पुरस्कार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने होप पेनेशिया कोविड-19 पेड हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर्स को गुलाब का फूल देकर किया सम्मानित, बढ़ाया उनका हौसला। और कोरोना संक्रमण काल तथा लॉकडाउन के बीच मनाए गए 74वें स्वतंत्रता दिवस का सड़कों पर दिखा व्यापक असर, पसरा रहा सन्नाटा। एडीएम सिटी ने जनता का जताया आभार। कहा, कोरोना की जंग में जनता का मिला भरपूर सहयोग।